आवाज जा रही है बच्चे लोग? यस सर। क्या बतला रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल लाइन भी बतला दिया था, है ना? यस समझ गए तो दोनों टॉपिक? समझ गए जी? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता क्रिटिकल एंगल क्या है? सी से भी नोट करते हैं। क्या बताया था? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली जाएगी, देन देयर इज नो चेंज इन पाथ नो रिफ्रैक्शन। बताया था ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और निकली जाएगी, कुछ कोण बनाते हुए जाएगी, देन देयर इज चेंज इन पाथ, द पाथ चेंजिंग होगा। दिस पाथ चेंजिंग, दिस डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बताया था। और जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, देन लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? स्पीकर ऑफ कर दो। क्या स्पीकर ऑफ कर दो? अब इससे रिलेटेड क्रिटिकल एंगल है, इससे रिलेटेड और भी चीज बता दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिया। क्या बताया? स्नेल्स लॉ बताया, रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बताया, वन म्यू टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी क्या बताया। यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वन म्यू टू इक्वल टू वन बाई टू म्यू वन, मतलब नोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडिया विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडिया इट्स वाइस वर्सा कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या यूज होगा इस फॉर्मूले का? जैसे मान लो एयर यू डब्ल्यू, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर? 1.033। 1.3 होता है, 4/3 कम है, 4/3 होता है। हम इसका रिवर्स भी निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, 1 × 1/3 तो वाटर के लिए इक्वल टू 1/4 × 1/3 समझ रहे हैं? Knowing the refractive index of one medium with respect to another medium, its reverse can be calculated. समझ रहे हैं? क्या यूज है principle of reversibility of light वाले formula का? Knowing the refractive index of one medium, its vice versa can be calculated. आवाज जा रही? यस सर।
अब देखो क्रिटिकल एंगल क्या है। सपोज कीजिए कि दो मीडियम x y का सेपरेटिंग सरफेस देयर आर टू मीडिया ये नॉर्मल है। नॉर्मल इज लाइन इधर गोइंग फ्रॉम रियर एंड डेंसर और डेंसर टू रियर है। Normal means light ray that is passing normally from one medium to another medium. इसको मान लो medium first, ये rear है। इसको मान लो medium second, this is denser. Clear figure is clear. Nothing is in this figure. Very simple figure is here. अब suppose कि ये light ray is going from denser to rear है। इधर जाएगा जल्दी बता रहा हूँ। लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रियर है। किधर जाएगा? बताओ जल्दी। हेलो हेलो यस सर। तो किधर जाएगा? सपोज कीजिए कि लाइट रे गोइंग फ्रॉम देयर, व्हाट नजर आ रहा है? पूरा अवे। सपोज कीजिए कि लाइट रे डेंसर से रियर में जा रहा था, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो बढ़ाते बढ़ाते ऑन इंक्रीजिंग ऑन कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल देन करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will also increase and a stage is reached. एक स्टेज ऐसा आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से होकर चला जाएगा। ये एंगल मान लीजिए जायेगा एंगल है रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से होकर चला गया, मतलब आर टू जो बना कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। आर टू जो बना वो कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। समझ रहे हैं? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। समझ रहे हैं? फिगर क्लियर हो रहा है? फिगर क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ तो इसका आप डिफरेंशिएशन यहीं से दे देंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रियर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रियर मीडियम इज 90 डिग्री कॉल्ड critical angle. The critical angle. Angle of incidence in the denser medium for which corresponding angle of refraction in rarer medium is 90 degree. Then this angle of incidence, this very angle of incidence is called critical angle. समझ के बात को? समझ गए कि नहीं? तो फिगर ये समझ गए इसका क्या यूज बताया? जो ऑफलाइन क्लास में बता रहे थे वन मीडियम टू मीडियम इसका डू वन, इस फॉर्मूले का यूज क्या है? इस फॉर्मूले का यूज यहाँ से निकलेगा, यहीं से वन मीडियम टू इसका डू वन बाई टू मीडियम वन। मतलब अगर हम जानते हैं किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो इसका रिवर्स हम निकाल सकते हैं। जैसे ए वी यू डब्ल्यू अगर हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर क्या है, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस फॉर्मूले के हिसाब से। और ये हमको पता ही है, 3 बाय 4 आ जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4 बाय 3 है, तो इस रिवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 3/4 है, ठीक ना। अब यहाँ पर आइए, ये बता रहे हैं क्या क्रिटिकल एंगल बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड है। क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में बनेगा। क्रिटिकल एंगल व्हेन लाइट रे गोस फ्रॉम डेंसर टू द अदर मीडियम, तब डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल बनेगा, समझ रहे हैं। अब हम यहाँ से देखना क्या है, देख लीजिए सही से। इसका ये रिफ्रैक्टिव रे था, तो रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, होगा कि नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। सिंस लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू द अदर मीडियम, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, आई वन कहते हैं, I1 I से बड़ा है, ये I1 कर दिया तो I से बड़ा है, ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा R1, जो यहाँ I1 से भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, R से भी बड़ा देखने में मिल जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, we have drawn a conclusion from R, क्या कंक्लूजन ड्रा किया, if we continue to increase, if we keep on increasing angle of incidence in denser medium, then its corresponding angle of refraction in the other medium will also continue to increase, and a stage is reached for a particular angle of incidence, ek aisa samay aayega, a stage is reached, a moment is reached, a situation is reached where refracted ray will go along the interface, मतलब angle of refraction क्या हो जाएगा, 90 degree हो जाएगा। तो उस angle of incidence को मान लीजिए angle of incidence I2, तो उस angle of incidence को जिसका corresponding angle of refraction कितना हो जाएगा, 90 degree हो जाएगा, तो उस angle of incidence को क्या कहेंगे, critical angle कहेंगे। लिख लो, फिगर बना लोगे, लिख लो।
आवाज जा रही? यस सर। लिखिए लिखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। Of which corresponding angle of refraction, of which corresponding angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree is called critical angle. It's called critical angle. ठीक ना? The angle of incidence in denser medium, of which corresponding angle of refraction in rarer medium, becomes 90 degree is called critical angle. ठीक ना जी? हेलो, आवाज जा रही? यस सर। आवाज सबको मिल रही ना? अब देखिए थोड़ा सा इसी में आगे देखिए, यहाँ पर एक बात और आएगा। अब सवाल उठता है कि अगर हम और इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दें, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? लाइट रे रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, has not gone to the other medium. So this is reflection in case of refraction. ये reflection हो गया, ये angle theta है, फिर ये भी theta हो जाएगा, law of reflection is valid. There is reflection, law of reflection is valid. तो यहाँ पर actually this is unique type of reflection. This is reflection in the situation of refraction. So this reflection is called total internal reflection. सोचिए तो अगर इसको और बढ़ाते तो फिर क्या होगा? इसका corresponding angle of refraction और बढ़ जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? एक quadrant पर 90 डिग्री होता ही है। Light ray returns back to the same medium. But here following the law of reflection, this angle is theta, and this angle will also be theta, this is normal. So this is a unique phenomena, this is reflection in case of refraction, case the refraction one, okay, reflection. So this is the unique phenomena. So this phenomena is called total internal reflection. Kya kaha gaya? TIR, short term, total internal reflection. रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। तो लिखिए थोड़ा सा इसको भी, हेडिंग दे दीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिगर में दिखला दो, तुम चाहो तो अलग भी दिखला दो, अलग एक फिगर में एक एंगल को क्रिटिकल एंगल दिखला दो और उसके बाद वाला ये वाला सिचुएशन दिखला दो जो दिखला रहे। तो लिखो थोड़ा सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? लिखिए व्हेन लाइट रे टेंड्स टू गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हेन लाइट रे टेंड्स टू गो फ्रॉम denser medium to
rarer medium and angle of incidence exceeds the critical angle and angle of incidence exceeds the critical angle then when light ray tends to go from rarer to denser medium denser to rarer medium याद रखिए क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों उस समय होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगा या जाने की टेंडेंसी रखेगा तो क्या लिखा रहे हैं कि व्हेन लाइट रे टेंड्स टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल देन light ray does not go to the denser medium does not go to the rarer medium Rather, it returns back to the same medium. Sir, repeat the definition once again. एक मिनट. तो क्या लिखा है? When light ray tends to go from denser medium to rarer medium, then light ray does not go to the rarer medium. Rather, it returns back to the same medium, following the law of reflection. This phenomena is called total internal reflection. लिख लिए फिर से सुन लो व्हेन लाइट रे टेंड्स टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल then light ray does not go to the rarer medium. ठीक कर लो उसको rather it returns back to the same medium. Following the law of reflection. This phenomena is called total internal reflection. इस फिनोमिना को total internal reflection कहते हैं. ठीक ना? समझ गए? यस सर लिखो क्वेश्चन लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8 Refractive index of glass with respect to water is
9 by 8. What is the value of refractive index of water with respect to glass? मतलब इसका vice versa. What is the value of refractive index of water with respect to glass? ठीक ना? इसी तरह एक और लिखो. 8 by 9. बेटा हो जाएगा. इसी तरह एक और लिखो. लिखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? If refractive index of glass, if refractive index of glass is 3/2. Refractive index of glass with respect to air, likhiye. Refractive index of glass with respect to air is 3/2. ठीक ना? ये दोनों बना के लाओ.